दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक कमाल का टेक न्यूज़। और इस कमाल के टेक न्यूज़ में मैं आपको MI 11 लाइट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ अभिमन्यु कुमार और आप देख रहे हैं अभी डिजिटल टेक। दोस्तों, फाइनली शाओमी ने अपना नया स्मार्टफोन MI 11 लाइट इंडिया में लॉन्च कर दिया है। पर इस स्मार्टफोन में शाओमी ने कौन कौन सा बेस्ट फीचर्स को दिया है, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में शाओमी ने 6 फीचर्स को हाईलाइटेड किया है। पहला फीचर यह है, ये जो स्मार्टफोन है वो सभी स्मार्टफोन से लाइट वेट यानी कि सबसे कम भार वाला स्मार्टफोन है। दूसरा, ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही स्लिम यानी कि बहुत ही पतला है। तीसरा, ये जो स्मार्टफोन है वो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। चौथा, ये जो स्मार्टफोन है इसमें 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा दिया गया है। पाँचवा, इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर लगा हुआ है 2.3 GHz का। छठवा, इस स्मार्टफोन में 4250 mAh की बैटरी दिया हुआ है। जबकि मेरा मानना है कि ये चीज़ हाईलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैटरी के मामले में एक से एक बढ़ के स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन के स्लिम और लाइट वेट के बारे में बात करते हैं। इस स्मार्टफोन का लुक की बात करें तो दोस्तों, यह स्मार्टफोन बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका लुक मुझे काफ़ी पसंद आया है। दूसरी बात की, इसका वेट सभी स्मार्टफोन से कम है, यानी कि इसका वेट 157 ग्राम है, यानी कि 157 ग्राम है। ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही स्लिम है। यह स्मार्टफोन 6.81 mm स्लिम है। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में 10 bit एंड 90 Hz का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। इसकी कैमरा की बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में रियर कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ मिलता है, जो कि मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा के साथ मिलता है। इसकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों, इसमें 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर लगाया गया है, वो भी 2.3 GHz का प्रोसेसर है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर मिलता है। इसकी बैटरी की बात करें तो दोस्तों, इसमें 4250 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि 33 W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसके फिंगर प्रिंट जो है वो साइड में लगाया गया है। इस स्मार्टफोन में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। यह स्मार्टफोन 3 कलर में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में 2 वेरिएंट आते हैं। पहला 6 GB रैम प्लस 128 GB इनबिल्ट, दूसरा 8 GB रैम प्लस 128 GB इनबिल्ट मिलता है। दोस्तों, इंडिया में इसका प्राइस 6 GB रैम प्लस 128 GB इनबिल्ट वाले का 21,999 होगा, और 8 GB रैम और 128 GB इनबिल्ट वाले का 23,999 रखा गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव है तो आप सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।